आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर वन में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के आगे कुछ टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा ड्राइंग शीट। आज हम लोग रबर, इरेजिंग शील्ड, पेंसिल शार्पनर या कटर, ड्राइंग पिन, सेलो टेप और दस्तर के बारे में चर्चा करेंगे। रबर, रब लाइन को मिटाने के लिए, अतिरिक्त लाइन को मिटाने के लिए हम लोग रबर का प्रयोग करते हैं। हमेशा अच्छी किस्म की सेंटो रबर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खराब किस्म के रबर का प्रयोग करने से उस पर काली बुत जाती है, ड्राइंग शीट गंदा हो जाता है। खराब किस्म की रबर का रबर पेपर पर आरे की काली अवशेष रूप में छोड़ देता है। अगला है हमारा इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड धातु की बनी एक पतली शीट होती है। यह हमारा इरेजिंग शील्ड का फिगर है। अन्य लाइन को क्षति पहुंचाए बिना किसी भी अधिक लाइन को मिटाने के लिए हम लोग इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। अन्य लाइन को क्षति पहुंचाए बिना किसी लाइन को मिटाना इरेजिंग शील्ड का काम है। यह धातु की पतली शीट होती है जिस पर विभिन्न आकार की आकृतियां बनी होती है। आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति का प्रयोग कर वांछित लाइन को मिटाया जा सकता है। जैसे हमारा कोई भी ड्रॉइंग हो, कोई भी लाइन मिटाना हो, तो उस पर इसको रख लिया जाता है। जो भी अतिरिक्त लाइन है तो उसको इस आकृति में लाया जाता है, दूसरी लाइन इसके अंदर आया नहीं, और उसके बाद उस आकृति को उस लाइन में क्या किया जाता है, रबर के द्वारा मिटा दिया जाता है। अगला है हमारा पेंसिल शार्पनर या कतर। पेंसिल की लेज को लकड़ी से बाहर लाने के लिए कतर या पेंसिल शार्पनर का प्रयोग करते हैं। पेंसिल की लेज को उसकी लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण शार्पनर या कतर कहलाता है। यह कार्य शार्पनर की बॉडी में लगे एक ब्लेड द्वारा किया जाता है। तब हम लोग कतर का प्रयोग करते हैं पेंसिल सिलने में, तो सबसे उपयोगी क्या होता है उसका, ब्लेड, क्योंकि पेंसिल की लेज को लकड़ी से बाहर आने में हेल्प करता है, मतलब उस पर की लकड़ी को क्या करता है, हटा देता है। पेंसिल शार्पनर या कतर, इसकी बॉडी प्लास्टिक या एल्युमिनियम की बनी होती है। यह बहुत ही उपयोगी तथा सस्ता होता है। पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला हमारा ड्राइंग पिन और सेलो टेप। ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर करने के लिए ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। ड्राइंग पिन का प्रयोग करने से ड्राइंग बोर्ड में छिद्र हो जाता है तथा ये मिनी ड्राफ्टर को चलाने में भी अवरोध उत्पन्न करता है। ड्राइंग पिन का प्रयोग करने से ड्राइंग बोर्ड में जो होता है एक छिद्र बन जाता है, और इसका जो पिन का हेड होता है वो मिनी ड्राफ्टर को चलने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए आजकल ड्राइंग पिन का उपयोग नहीं करके सीट पर बोर्ड लगाने के लिए सेलो टेप का उपयोग उचित माना गया है। अगला हमारा दस्तर, जिसका आकार आयताकार और वृत्ताकार होता है। यह सफेद मोटे सूती का कपड़ा होता है। इसका प्रयोग ड्राइंग पेपर से धूल तथा रबर के मैल इत्यादि को हटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग ड्राइंग शीट को देख लेते हैं। ड्राइंग शीट, ड्राइंग बनाने के लिए जिस शीट की आवश्यकता पड़ती है उसे ड्राइंग शीट कहते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए जिस शीट की आवश्यकता पड़ती है उसे ड्राइंग शीट कहते हैं। आदर्श ड्राइंग शीट की विशेषता, ड्राइंग बनाने में प्रयोग किए जाने वाले कागज अथवा ड्राइंग शीट अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। हम जिस पर ड्राइंग बनाते हैं उसका कागज हो या ड्राइंग शीट हो, हमेशा अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। जैसे बनी ड्राइंग की स्याही ना फैलने पाए, ड्राइंग शीट ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी स्याही ना फैलने पाए। शीट प्रायः सफेद होनी चाहिए, हमेशा व्हाइट शीट का ही प्रयोग करें। रंगीन शीट रेखाओं के बाधक में रेखाओं के उभार में बाधक होती है। सफेद शीट पर हमेशा ड्राइंग अच्छी दिखती है, साफ फ्रेश, और रेखाएं उसमें थोड़ा बोल्ड दिखती है।
वहीं रंगीन शीत में रेखाएं उभर कर नहीं आ पाती हैं। शीत सिकनी होनी चाहिए क्योंकि खुरदुरी शीत पर अच्छे परिणाम नहीं आ पाते हैं। शीत सिलवटें मुक्त होनी चाहिए, सिलवटें मुक्त मतलब मोरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ दुरिंग शीत, ये हमारा चौड़ाई और ये हमारा लंबाई है। सबसे बड़ी शीत कौन कौन सी होती है? A0। और सबसे छोटी A5। सबसे बड़ी ड्रॉइंग शीट A0 और सबसे छोटी ड्रॉइंग शीट A5। ये हमारे टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग शीट हो गया। सबसे बड़ा A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 और A5। पहला 841x1189। 841 को ऐसे रहेंगे, इसकी लंबाई को आधा करने पर दूसरा ड्रॉइंग शीट मिल जाएगा। 1189 को आधा करने पर कितना आया? 594। फिर 594 इसकी क्या कहते हैं चौड़ाई हो गई, फिर 841 की लंबाई हो गई। 841 को आधा करने पर 420, फिर 594 इसी उतर गया, फिर 594 को आधा करने पर 297, फिर 420, 420 को आधा करने पर हमेशा ये आधा होगा, हमेशा ये वाला आधा होगा, समझ रहे हैं? हमेशा इसकी चौड़ाई आधा होगी। एग्जाम्पल बताते हैं उसे, ये हमारी A0 ड्रॉइंग शीट है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है, इसको आधा कर देंगे, ये दोनों ड्रॉइंग शीट क्या हो जाएगी? A1 टाइप की। ये दोनों ड्रॉइंग शीट अब कौन सी साइज की हो गई? A1। और फिर अब ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, फिर इसके लंबाई को आधा करने पर ये हमारा हो गया A2 और ये भी हमारा हो गया A2। ये हमारा कौन सा हो गया? ये ड्रॉइंग शीट हो गई A2 और ये A2। फिर इसको भी A2 को आधा करने पर ये हमारी ड्रॉइंग शीट हो गई A3 और ये भी ड्रॉइंग शीट हो गई A3। और फिर ये इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, फिर इसकी लंबाई को भी आधा करने पर ये हमारा साइज जो प्राप्त हुआ ये हमारा A4 कर लेगा, और ये भी हमारा, ये हमारा A4, और फिर इसको आधा करने पर ये हमारा A5 हो जाएगा, और ये भी हमारा A5 हो जाएगा। ये हमारा पूरा A0, ये हमारा A1, अब ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा हो गया A4 और ये दोनों A5, क्योंकि दोनों सीट सेम है, ठीक है। इसके बाद है एरिया ऑफ ड्रॉइंग शीट, क्या है एरिया ऑफ ड्रॉइंग शीट? एरिया मतलब क्या? लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर जो प्राप्त हो, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? गुना करने पर कितना प्राप्त होगा? 99.9949 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये समथिंग में 0.999 आएगा, मतलब अप्रोक्स किसके बराबर हो गया? 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। यह हमारा A0 तो है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर, तो 1 मीटर का आधा कितना होता है? आधा यानी ये क्या होगा? 0.5 मीटर स्क्वायर के बराबर। उसी प्रकार ये कितना होगा? 0.25 मीटर स्क्वायर के बराबर। उसी प्रकार ये क्या होगा? 0.125 मीटर स्क्वायर के बराबर। उसी प्रकार ये कितना होगा? 0.0625 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में हुआ 0.03125
5 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया होगी। और अगला है हमारा ध्रुवीय शीट का अभिविन्यास, ध्रुवीय शीट का अभिविन्यास। अभिविन्यास मतलब होता है मार्जिन। ये हमारी जो ध्रुवीय शीट है हमेशा बायस शीट है, यानी ये हमारा बायस शीट है। 25 से 40 mm मार्जिन छोड़नी चाहिए। कितना? 25 से 40 mm, यह हमारा बायस शीट है। यहाँ से 25 से 40 mm मार्जिन छोड़नी चाहिए अन्य से, यानी तीनों सीधा अन्य सीधे से। पांच से 25 mm, सॉरी ये 20 mm लिखा हुआ है। बायां सिरे से हमेशा 20 से 40 mm मार्जिन छोड़नी चाहिए, और अन्य यानी तीनों सिरे से 5 से 25 mm। ये मार्जिन छोड़ते क्यों है? क्योंकि एग्जाम में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग को जब जिल्द किया जाता है तो हम लोगों का कार्यकारी हिस्सा दबना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं। अब यहाँ हमारे लोगों का क्या होगा, शीर्षक ब्लॉक, ये हमारा क्या होगा, शीर्षक ब्लॉक, क्योंकि 185×65 mm में होता है। शीर्षक ब्लॉक तो होता है ड्राइंग शीट के निचले कोने में, दाहिने सिरे में होता है। शीर्षक ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है? ड्रॉइंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखने के लिए एग्जाम्पल में संस्थान का नाम हो गया, विद्यार्थी का रोल नंबर हो गया, क्लास रोल नंबर इत्यादि के लिए ड्रॉइंग शीट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ड्रॉइंग शीट के बारे में आज हम लोगों ने जाना। ड्रॉइंग बनाने के लिए 30 चीज की आवश्यकता पड़ती है जो ड्रॉइंग शीट कहते हैं। हमें तो वाइट ड्रॉइंग शीट का ही प्रयोग करना चाहिए, वैसे ही ड्रॉइंग शीट का प्रयोग करना चाहिए जिसमें स्याही न फैले। शीट हमेशा चिकनी हो और सिल मुक्त, यानी कि यदि मुड़ी हुई नहीं हो। ये इसका ड्रॉइंग शीट का साइज हो गया। यह हम लोग ड्रॉइंग शीट का क्या हुआ, एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ए जीरो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में होता है। उसी प्रकार इसका आधा यानी कि 0.5 मीटर स्क्वायर में, ये 0.25 में, 0.125 में, यह हमारा एक ए जीरो पूरा है। इसका आधा ए वन, ए वन का आधा ए टू, ए टू का आधा ए थ्री, ए थ्री का आधा ए फोर, ए फोर का आधा ए फाइव। और ये हमारा जो शीर्षक ब्लॉक है इसका जो होता है यह हमेशा 185×65 mm में ही लंबाई और चौड़ाई में पाया जाते हैं। यह हमारा ड्रॉइंग शीट के दाहिने सिरे में निचले हिस्से में बनाया जाता है। इसको बनाने से यह फायदा होता है कि संस्थान का नाम, मतलब ड्रॉइंग से संबंधित सारी जानकारी इसमें लिखी हुई होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
और हाँ, आज का ये हमारा पहला चैप्टर संपूर्ण कंप्लीट हो गया है।